हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया गेट एग्ज़ाम कौन कौन से स्टूडेंट दे सकता है और गेट एग्ज़ाम देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको गेट एग्ज़ाम देने का 3 मेन फ़ायदा, जो स्टूडेंट एमटेक करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं या फिर गेट देकर पीएसयू में जाना चाहते हैं उसके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बताते हैं गेट एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो गेट एग्ज़ाम में जो भी बीटेक या फिर बीआर्क जैसे कोर्स किए हैं वो एमटेक में या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट हो चुके हैं वो दे सकते हैं। मिनिमम अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप बीटेक किए हैं, आर्किटेक्चर किए हैं, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन इन वेरियस मास्टर एंड डॉक्टर प्रोग्राम्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू जैसे वेल सेल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपका जॉब हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गेट एग्ज़ाम देने के क्या फ़ायदा है। पहला पॉइंट है एडमिशन। तो एडमिशन आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो अब मास्टर जैसे कि IIT, NIT, ISC जैसे कॉलेज से आप मास्टर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि PhD में नाम लिखाना है तो MTech प्लस PhD में और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हैं गेट एग्ज़ाम के थ्रू। यानी कि अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो भी और डॉक्टर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो भी आप गेट एग्ज़ाम दे करके एडमिशन ले सकते हैं। पहला चीज़ है कि अगर आप IIT, NIT, ISC जैसे संस्था में पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर PhD करना चाहते हैं तो आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट है, फिनांशियल असिस्टेंस। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप गेट एग्ज़ाम देते हैं और क्वालिफाई करते हैं उसके बाद अगर आप एमटेक करते हैं तो आपको 12,400 पर मंथ मिलेगा 2 साल तक। उसके बाद अगर आप डॉक्टर प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेते हैं तो उसमें देखिए शुरू का जो 2 साल रहेगा 37,000 पर मंथ मिलेगा, उसके बाद 3rd to 5th ईयर 42,000 पर मंथ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पहला कि आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा पढ़ने के लिए, 42,000 पर मंथ तक मिलेगा अगर आप PhD प्रोग्राम में इनरोल करते हैं तो, और मास्टर्स करते हैं तो 12,400 तक मिलेगा 22 मंथ तक। उसके बाद तीसरा मेन एडवांटेज है, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि बीटेक के बाद डायरेक्ट हम PSU में जॉब लें तो उसका गेट का स्कोर अगर अच्छा है आपका तो आप डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं, बस इंटरव्यू होगा उसके बाद आप जॉब ले सकते हैं। तो जैसे मैं कौन कौन से PSU हैं यहाँ पे देखिए लिस्टेड किया हुआ है, जैसे वेल है, सेल है, BSNL है, DVC है, गेल है, IOCL है। तो जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस के भी कुछ PSU रिक्रूट करती है, तो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो बीटेक के बाद डायरेक्ट आपका इसमें जॉब हो सकता है अगर आपका अच्छा स्कोर आया है तो। तो फ्रेंड्स, ये मेन 3 है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर PhD करना चाहते हैं तो PhD के लिए भी गेट दे सकते हैं और MTech के लिए भी दे सकते हैं, IIT NIT जैसे कॉलेज के लिए। बाकी इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, 2 पेपर कम्बिनेशन क्या है, उसको देख सकते हैं, उसके लिए वीडियो बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।